बेसन और कुछ घरेलू चीजों से मिलकर बना एकदम नेचुरल और आयुर्वेदिक फेस पैक, जिसको चेहरे पर लगाते ही चेहरा एकदम खिलखिला उठेगा। चेहरे की स्किन एकदम मुलायम और चमकदार बन जाएगी। चेहरे को सुंदर और गोरा बनाने के लिए अब आपको न तो किसी क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इस बेसन के घरेलू फेस पैक को अपने घर पर ही मौजूद चीजों से बड़ी आसानी से बनाकर आपको इस्तेमाल करना है। आप सोच भी नहीं सकते, इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल हेल्थ डायरेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ वाले बेल के बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी आगे की आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आइए जानते हैं हमें इस फेस पैक को बनाना कैसे है। इसके लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो इस प्रकार है: 2 चम्मच बेसन पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 नींबू का रस और 2 से 3 चम्मच पानी। आप किसी बर्तन में 2 चम्मच बेसन, 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी की डालकर इसे अच्छे से मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और अब इसे 5 मिनटों के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। 5 मिनटों के बाद आपका फेस पैक बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें इस फेस पैक का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसे रात में सोने से पहले ही इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से पहले चेहरे को किसी भी फेस वॉश से धो लें। अब इसे अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाकर हल्के हाथों से लगभग 15 से 20 सेकंड तक मालिश करें, ताकि चेहरे पर जमा गंदगी साफ हो जाए, और इसे 15 मिनटों तक चेहरे पर लगा रहने दें। 15 मिनटों के बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लें और सोने से पहले चेहरे पर थोड़ा सा नारियल तेल लगाकर सो जाएं। सुबह उठकर जब आप आईने में अपना चेहरा देखोगे तो आपको कमाल का फर्क देखने को मिलेगा। इस नुस्खे के लगातार कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से चेहरा एकदम गोरा और चमकदार बन जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा एकदम घरेलू और आयुर्वेदिक है। इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसका इस्तेमाल लड़के और लड़कियां सभी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपका कोई सवाल हो या आपको कोई परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।